तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बची हुई रोटी का नाश्ता। आपके यहाँ पे कभी कभार रात को 2, 3 या 4, 5 रोटी बची जाती है, तो आप उसका यूज़ किस तरह से करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे यहाँ पे बची हुई रोटी का नाश्ता किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने तेल चढ़ा दिया है कम से कम 1 बड़ा चम्मच, और यहाँ पर ये देखिए रात को रोटी बच गई थी कम से कम 4 से 5, तो मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़े इस साइज में काट इसको तोड़ लिया है, और इसको थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो दिया है। गर्म पानी में कम से कम 10 मिनट भिगोना। अगर ज़्यादा सूख जाती, जो रोटी सूख जाती है मतलब 10 से 15 दिन हो जाते हैं, उस रोटी को आपको गर्म पानी में भिगोना है करीबन 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। तेल गर्म होने के साथ ही इसमें थोड़ी सी राई के दाने डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जो कि बिल्कुल बारीक काट लिए हैं, और 1 आलू लिया है। तो इसमें हम डाल देंगे तेल गर्म होने के साथ ही। ये देखिए यहाँ पे करीबन मैंने 1 गांठ लहसुन की डाली है। तो यहाँ पर मैंने 1 गांठ लहसुन की डाल दी है कूटकर। बगैर लहसुन और बगैर प्याज के ये रेसिपी बिल्कुल भी नहीं बनती, आप बनाने की कोशिश ना करें इसको। तो इसको एक बार फ्राई कर लेंगे इस तरह से। मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, और इसके मैं बीज यहाँ पर निकाल रही हूँ। बीज जो है इसके बहुत नुकसान करते हैं, काफ़ी लोग जिनको नुकसान करते हैं वो ना खाएं, और जिनको फ़ायदा करते हैं वो खा सकते हैं टमाटर, क्योंकि इससे पतली होती है, मैं आपको बता देती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मैंने रोटी धोकर इसमें निकाल ली है, और ये थोड़ा सा गंदा हो गया पानी, तो इसको मैंने एक बार साफ पानी से धो दिया है। और इधर देखिए ये टमाटर, इधर देखिए ये आलू भी हमारे गल चुके हैं। देखिए आलू को मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। देखिए ये बिल्कुल गल चुके हैं बगैर नमक डाले ही। एक बार और फ्राई कर लेती हूँ उसको। ये देखिए आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो सबसे पहले इसमें हम डाल देंगे टमाटर। ये देखिए हमने बीज निकाल दिए हैं टमाटर के, और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी सूखे मसाले हैं वो सारे मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और यहाँ पर थोड़ा सा तीखी अच्छी लगती है तो मैं 1/2 चम्मच रेड चिली तीखी वाली ऐड कर रही हूँ, और 1/4 चम्मच हल्दी ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा यहाँ पे गाढ़ी करने के लिए इसको 1 चम्मच धनिया, और नमक यहाँ पर काला नमक 1/4 चम्मच, और यहाँ पर इतना सा 1/4 चम्मच में नमक ऐड कर रही हूँ, और साथ ही साथ इसमें कम से कम 1/2 कप पानी ऐड कर रही हूँ, और इसको गैस की फ्लेम को तेज़ करके इसको मैं पका लूँगी। ये देखिए तेल छोड़ दिया है मसाले ने, यहाँ पर जो टमाटर का रस है वो इसमें डाल दूँगी मैं, और ये जो रोटी बची थी हमारी इसमें डाल देंगे। अगर आप रात की रोटी भिगो के डालते हैं तो इसको गलाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें मसाले में डाल सकते हैं। इसको मिला लूँगी एक बार। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारा मिक्स कर लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी मैं, ये देखिए, और कवर करके रखूँगी करीबन 30 सेकंड के लिए। तो देखिए जब तक हम काट लेते हैं बारीक बारीक हरा धनिया, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बंद कर। तो ये देखिए हम एक बार इसको मिला लेंगे, और पूरी ग्रेवी हमारी अच्छे से मिल चुकी है, और ये बचे हुए रोटी का नाश्ता बिल्कुल बनकर तैयार है। फाइनल स्टेज देते हैं इसको। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालूंगी मैं इसमें, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया है इस जगह पे, और इसमें मैं डालूंगी कम से कम इतना सा 2-4 बूंदी डालना नींबू का रस, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। देखिए ये फाइनली बची हुई रोटी का नाश्ता बिल्कुल बनकर तैयार है। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा।